आप सभी को मध्याह्नकालीन प्रणाम। आज के हमारी विषय वस्तु है टू वे अनरिलेटेड एनोवा। ये टॉपिक निसंदेह आपके रिसर्च वर्क में डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और विषय वस्तु को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, टू वे एनोवा अनरिलेटेड। अभी तक हमने जो एनोवा में डिस्कशन करी है वो डिस्कशन में एक अनाश्रित चर होता था और एक अनाश्रित चर के अलग अलग लेवल होते थे। जैसे पहले की क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं, पहले के क्लास में हमारे पास प्रेजेंटेशन रेट अनाश्रित चर था। अब प्रेजेंटेशन रेट के तीन कंडीशंस थे, स्लो, मीडियम, फास्ट, यानी वे हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद थ्री ट्रीटमेंट कंडीशंस। लेकिन जब टू वे एनोवा की बात होती है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऐड हो जाता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्योर इफेक्ट और उन दोनों के इंट्रैक्टिव इफेक्ट आकलन कर सकते हैं। ये टू वे एनोवा और वन वे एनोवा के बीच का बुनियादी फर्क है। वन वे में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके अलग अलग लेबल्स या ट्रीटमेंट कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन टू वे एनोवा में हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अलग अलग इफेक्ट प्लस उन दोनों का जो इंट्रैक्टिव इफेक्ट है उसका भी आकलन कर दें। यानी टू वे एनोवा में वी कैन एस्टिमेट थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट, प्योर इफेक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलोंग विद देयर इंट्रैक्टिव इफेक्ट। भाई, एक उदाहरण से हम इस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। In two way ANOVA, two groups of different participants do the two conditions on one independent variable, while two groups of different participants do the two conditions on the other independent variable. अब मैं थोड़ा उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण है, इसको आप पढ़ भी पा रहे होंगे। मैं आपके समझदारी के लिए इसको पढ़ भी लेता हूँ और इसको थोड़ा विवेचन भी करता हूँ। एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ कंपैरिजन बिटवीन लर्निंग लिस्ट ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड्स। द सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कंपैरिजन बिटवीन फास्ट एंड स्लो रेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एज शोन बिलो। यानी यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है लेंथ ऑफ वर्ड्स। हम जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको जब वर्ड्स पढ़ने के लिए देते हैं तो लंबे वर्ड भी दे सकते हैं और छोटे वर्ड भी दे सकते हैं। यानी लेंथ ऑफ वर्ड्स एक अनाश्रित चर है, यानी उसका हमें अलग से इफेक्ट आकलन करना है। लेंथ ऑफ वर्ड्स का रिकॉल स्कोर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो हमारा कंसर्न ये है। दूसरा है प्रेजेंटेशन रेट्स, प्रस्तुति के दर का क्या प्रभाव पड़ता है।
हमने इससे भी पहले बात करी थी, अगर कोई विषय वस्तु को धीमे गति से पढ़ाया जाए, मध्यम गति से पढ़ाया जाए और तीव्र गति से पढ़ाया जाए, तो ये तीनों अवस्था में जो लर्नर्स हैं उनके रिकॉलिंग कैपेसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस उदाहरण में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहला तो है लेंथ ऑफ वर्ड्स, शब्द की लंबाई, दूसरा है प्रेजेंटेशन रेट्स। अब जो लेंथ ऑफ वर्ड्स पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके दो कंडीशन है, लॉन्ग वर्ड शॉर्ट वर्ड, और दूसरा प्रेजेंटेशन रेट है। प्रेजेंटेशन रेट के भी दो कंडीशन है, फास्ट रेट स्लो रेट, यहाँ पे दो ही हैं, फास्ट एंड स्लो। तो टू ए एनोवा में हम लेंथ ऑफ वर्ड्स का रिकॉल स्कोर पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका आकलन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन रेट्स का हम क्या अलग से प्रभाव पड़ता है वो भी आकलन कर सकते हैं, और लेंथ ऑफ वर्ड्स और प्रेजेंटेशन रेट दोनों का इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या पड़ता है हम इसका भी आकलन कर सकते हैं। यानी तीन चीज हम यहाँ पे तीन इफेक्ट अनुमान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये टू वे एनोवा की ब्यूटी है, और ये सुविधा वन वे एनोवा में नहीं होता। आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे अब आप आपके रिसर्च कंडीशंस बनाएंगे, तो रिसर्च कंडीशन चार होंगे, यानी आपके पास पार्टिसिपेंट्स का चार ग्रुप होगा, इसीलिए इसका नाम अनरिलेटेड है। अगर रिलेटेड होता तो एक ही ग्रुप चार कंडीशन से गुजरता, लेकिन ये अनरिलेटेड टू वे एनोवा है, तो यहाँ पे जो चार कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, नंबर वन शॉर्ट वर्ड एंड फास्ट प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन, देखिए मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो कंडीशन है, दो दो प्रत्येक के दो हैं, तो अगर हम इसमें कंडीशन के सेट बनाएंगे तो चार बन सकते हैं। पहला है शॉर्ट वर्ड्स फास्ट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वर्ड्स स्लो प्रेजेंटेशन, लॉन्ग वर्ड्स फास्ट प्रेजेंटेशन, लॉन्ग वर्ड्स स्लो प्रेजेंटेशन। दीज आर द फोर ट्रीटमेंट कंडीशंस। अब इसमें हमें ये चार जो अलग अलग इनपुट है, इनपुट की स्थिति है, इससे गुजारने के लिए कितने कितने सैंपल्स की ग्रुप चाहिए, चार ग्रुप चाहिए, चार ग्रुप अलग अलग होंगे। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि टू वे एनोवा मतलब इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लस इंटरेक्टिव इफेक्ट, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग इफेक्ट और दोनों का इंटरेक्ट। बिटवीन कंडीशंस ऑन वेरिएबल वन प्रिडिक्टेड, बिटवीन कंडीशंस ऑन वेरिएबल बी प्रिडिक्टेड, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो ये तीन इफेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ वेरियंस की बात करें तो यहाँ वेरियंस पांच तरह के होगा, बिटवीन कंडीशन वेरियंस कॉज्ड बाई द लेंथ ऑफ वर्ड्स यानी फर्स्ट आई बी, दूसरा है बिटवीन ग्रुप डिफरेंस, बिटवीन ग्रुप वेरियंस कॉज्ड बाई द वेरिएबल टू दैट मीन्स रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, थर्ड में होगा द वेरियंस इंड्यूस्ड बाई द इंट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए है, ए का मतलब लेंथ ऑफ वर्ड्स, दूसरा बी है, बी का मतलब प्रेजेंटेशन रेट, और दोनों की इंट्रैक्टिव इफेक्ट है उसको हम मैथमेटिकली ए क्रॉस बी के द्वारा जनाते हैं। ए क्रॉस बी स्टैंड्स फॉर द इंट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये तीन वेरिएशन हो गए। अगला एरर वेरिएंस, यानी जो अन्य चांस फैक्टर्स होते हैं, इररिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके कारण से जो वेरिएशन आता है उसको हम एरर वेरिएंस कहते हैं। फिर वन टू थ्री फोर, चारों वेरिएंस को हम जोड़ देंगे तो जो आएगा वो हमारा टोटल वेरिएंस होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए, टोटल वेरिएंस के सोर्स हमारे पास पांच है, पांच में से अगर हमको चार पता चल जाए तो हम एक निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, बिटवीन कंडीशन वेरिएंस कॉज्ड बाय ए प्लस बिटवीन कंडीशन वेरिएंस कॉज्ड बाय बी प्लस इंट्रैक्टिव वेरिएंस ऑफ ए एंड बी प्लस एरर वेरिएंस। तो अब आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप टू वे एनोवा की बात कर रहे हैं तो आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएंस पांच है,
अब ये हाइपोथेसिस है और 2y एनोवा में जो हम कैलकुलेशन करते हैं या वैल्यू कंप्यूट करते हैं उसका भी मूल प्रयोजन यह है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है रिसर्च हाइपोथेसिस उसकी सत्यता को परख करना है। तो इस केस में रिसर्च हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर ने बनाया है वो क्या है, इट वॉज प्रिडिक्टेड दैट देयर वुड बी एन इंट्रैक्शन बिटवीन वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, मोर शॉर्ट वर्ड्स वुड बी रिकॉल्ड एट अ फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड मोर लॉन्ग वर्ड्स एट अ स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है कि यहाँ वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का बीच में इंट्रैक्शन होगा और जो व्यक्ति को शॉर्ट वर्ड दिया जाता है अगर शॉर्ट वर्ड को हम फास्ट प्रेजेंट करें और छोटे शब्द को हम जल्दी जल्दी प्रेजेंट करें तो भी रिकॉल होगा और लंबे वर्ड को यानी जो वर्ड लंबे है उसको हम धीमी गति से प्रस्तुत करें तो रिकॉल स्कोर अच्छा होगा। ये रिसर्चर ये हाइपोथेसिस लेके चल रहा है यानी द शॉर्ट वर्ड्स विल बी रिकॉल बेस्ट इवन द रेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज फास्ट बट इन केस ऑफ लॉन्ग वर्ड्स वी नीड स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी छोटे शब्द को अगर हम जल्दी जल्दी भी प्रस्तुत करते हैं तो रिकॉल स्कोर अच्छा होगा। इसी तरह से लंबे शब्द को धीमी गति से प्रस्तुत किया जाए तो रिकॉल अच्छा होगा। ये रिसर्च हाइपोथेसिस ये हमने सेट किया है। अब हम आगे जाते हैं इसके कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे कंप्यूटेशन करना है। अब ये स्कोर है, हमारे पास तीन कंडीशन है, सॉरी चार कंडीशन है, शॉर्ट वर्ड्स, फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वर्ड्स, स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इसी तरह से लॉन्ग वर्ड्स, फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, लॉन्ग वर्ड्स, स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास चार कंडीशन है, पहले मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें जो हमने पार्टिसिपेंट्स लिया है, पार्टिसिपेंट चार चार है, हर कंडीशन में चार चार ले रखा है। ये एक तो है A1 B1 में चार हैं, A1 B2 में भी चार हैं, A2 B1 में भी चार हैं, A2 B2 में भी चार हैं। तो हमने यहाँ सबकी मीन निकाल दी है, दैट्स इट। हम एनोवा की बात कर रहे हैं तो दैट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, डाटा इंटरवल लेवल का या उससे भी हायर लेवल का होगा तो हम इसमें मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, व्हाट एवर मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेजर वी नीड दैट कैन बी कंप्यूटेड, द नेचर ऑफ डेटा अलाउ फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। अब उसी को हमने यहाँ पे सेल में डिवाइड कर दिया है, हमारे पास चार कंडीशन है तो चार डेटा सेट है। पहला वर्टिकल फॉर्म में लिखा था, ओरिजेंटल फॉर्म में A1 B1 यानी कंडीशन वन के लिए स्कोर था 9867, इसको हमने सबको जोड़ दिया 30 हो गया। इसी तरह से A2 B1 के लिए था 5334, इसका समेशन 15 आया और आप पूरा जोड़ देते हो तो 40 ग्रैंड टोटल आ गया। इस तरह से यहाँ पे A1 और B2 के केस की स्कोर है, इसको आपने जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, फिर टोटल जोड़ दी, ओरिजेंटली भी आपने टोटल कर दिया और वर्टिकली भी कर दी। इस तरह से आपके पास जो मूल कंडीशन थे, ट्रीटमेंट कंडीशन थे, वो तो चार ही थे, A1 B1, A2 B1, B2 A1 और B2 A2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पांच तरह के वेरिएंस हैं, पांच तरह के वेरिएंस से संबंधित सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये अब आपके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं आपको समझना होगा और फॉर्मूले भी एक दो और ऐड होंगे इसमें। सिग्मा टी स्क्वायर ए, सम ऑफ स्क्वायर टोटल्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। बैक जाइए,
45 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ये देखिए टोटल सब ए 45 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, टोटल सब बी में क्या होगा 45 स्क्वायर 40 स्क्वायर। सम ऑफ ए स्क्वायर टोटल्स, तो ये हो गया 45 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर सिग्मा टी स्क्वायर बी सम ऑफ बी स्क्वायर टोटल्स। ये मैंने आपको दिखा दिया बी का 45 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर टी समेशन टी स्क्वायर ए बी द सम ऑफ ए बी स्क्वायर टोटल्स, सम ऑफ ए बी स्क्वायर टोटल्स। और ए बी स्क्वायर मतलब ये देखिए दिस इज ए वैल्यू फॉर ए बी, ए और बी के लिए जो स्कोर है क्रॉस स्कोर दैट इज 30, ए सी एल के लिए 30 है, इसके लिए 15 है, इसके लिए 15 है, इसके लिए 25 है, चार होंगे 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। और यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच कंडीशन, हर कंडीशन में जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो है एन का मतलब। तो सभी कंडीशन में चार चार हैं। ए का मतलब है नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर वेरिएबल ए, वेरिएबल ए का मतलब लेंथ ऑफ वर्ड्स, लेंथ ऑफ वर्ड्स कितने तरह के हैं दो, शॉर्ट लॉन्ग। बी का मतलब नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर वेरिएबल बी, तो वेरिएबल बी का मतलब रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, रेट ऑफ प्रेजेंटेशन की कितने कंडीशन है यहाँ पे दो, फास्ट स्लो। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, हर कंडीशन में चार चार हैं, तो आपके पास चार टोटल कंडीशन है तो टोटल स्कोर्स कितने हो गए 16 हो गए। सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ग्रैंड टोटल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल स्क्वायर है हम ग्रैंड टोटल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल है दैट इज 85, तो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ग्रैंड टोटल 85 होल स्क्वायर। और कॉन्स्टेंट निकालने का फॉर्मूला तकरीबन वही है जो हमने वन वे रिलेटेड और ऑन रिलेटेड में पढ़ा था, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन। तो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 85 स्क्वायर हो गया और एन की वैल्यू 16 है तो लगभग आ गया 451.56, ठीक है। और सिग्मा एक्स होल सम ऑफ इज इंडिविजुअल स्क्वायर स्कोर, अब हमारे पास चार कंडीशन है, चार कंडीशन में से प्रत्येक में चार चार स्कोर है, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर निकालने के लिए आपको वो जो 16 स्कोर्स हैं चार चार हर ग्रुप में सबको स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो सबको जोड़ना पड़ेगा दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। और सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए, ए का मतलब लेंथ ऑफ वर्ड्स, तो इसकी फॉर्मूला है सिग्मा टी स्क्वायर ए बाई एन बी माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन। तो सिग्मा टी स्क्वायर ए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 45 स्क्वायर 40 स्क्वायर, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कंडीशन ए, तो चार हैं और इसके कितने लेवल हैं ये के दो हैं, इस तरह से आ गया 1.56। इसी तरह से कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी, बी का मतलब रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये हो गया सिग्मा टी स्क्वायर बी बाई एन ए माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन। एंड सब्स्टिट्यूटिंग द कंसर्न वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट इट 1.5625। अब कैलकुलेट एस एस बी सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन एंड बी, दैट मीन्स इंट्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ वर्ड्स एंड रेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो समेशन टी स्क्वायर ए बी इन बाई एन माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी, ये टोटल है, टोटल में से आपने ये घटा दिया तो ये आ गया लगभग लगभग कितनी आई है वैल्यू
आ गया 39.06। तो आपने कितने तरह की सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल ली, फॉर वेरिएबल वन, फॉर वेरिएबल बी एंड फॉर द इंट्रैक्टिव इफेक्ट। टोटल निकालने का फॉर्मूला, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने का, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाय एन। अब इसमें से आप और वेरिएंस घटा देंगे और सम ऑफ स्क्वायर्स घटा देंगे तो एरर आ जाएगा, एसएस टोटल माइनस एसएस ए माइनस एसएस बी माइनस एसएस ए, दैट इज एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। और जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेते हैं तो अगला काम है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना और डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड करना और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएबल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कंडीशंस माइनस वन। तो ए के कितने कंडीशन है, दो है। ए का मतलब लेंथ ऑफ वर्ड्स, लेंथ ऑफ वर्ड्स कितने तरह के हैं, दो, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टू माइनस वन। इसी तरह से डी ऑफ बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बी मतलब नंबर ऑफ बी कंडीशंस माइनस वन। बी कंडीशंस कितने हैं, दो। रेट ऑफ प्रेजेंटेशन दो तरह के हैं, स्लो एंड फास्ट, टू माइनस वन। डी ऑफ ए बी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंटरेक्टिव इफेक्ट इज इक्वल टू डी ऑफ ए टाइम्स डी ऑफ बी। तो ये डी ऑफ ए डी ऑफ बी दोनों वन वन है, इट कम्स टू बी वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स माइनस वन। तो हर एक में चार चार हैं तो टोटल 16 है, 16 से आप 1 घटा दीजिए तो 15 आ गया। और एरर के लिए, एरर फैक्टर के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो टोटल में से बाकी घटा देते हैं, इट कम्स टू बी 12। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल ली और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लिया, अगला काम है सभी के लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना, एमएस निकालना। अब वेरिएबल ए के लिए, आई वी ए के लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से फॉर आई वी बी मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू एस एस बी बाय डी एफ बी। अब ये मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर इंट्रैक्टिव इफेक्ट इज इक्वल टू एस एस ए बी बाय डी एफ ए बी और एम एस एरर इज इक्वल टू एस एस एरर बाय डी एफ एरर। तो आपने चारों निकाल लिया। अब आपका लास्ट में कंसर्न क्या है, आपका कंसर्न ये है कि जो आपके पास दो वेरिएबल थे, पहला वेरिएबल था लेंथ ऑफ वर्ड्स, उसका रिकॉल में अलग से क्या प्रभाव होगा, दूसरा है कि रेट ऑफ प्रेजेंटेशन का अलग से प्रभाव क्या होगा। अब लेंथ ऑफ वर्ड्स और रेट ऑफ प्रेजेंटेशन दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, ये आपकी रिसर्च क्वेश्चन जवाब मांग रही है। तो सबसे पहले हम उसके लिए निकाल लेते हैं आई वी ए के लिए, आई वी ए के लिए एफ इज इक्वल टू होगा एम एस ए बाई एम एस एरर। तो इट कम्स टू बी 1.4। इसी तरह से हम एम एस बी यानी आई वी बी की इफेक्ट के लिए एफ निकालेंगे, उसके लिए एम एस बी बाई एम एस एरर। और इसके बाद एफ रेशियो फॉर इंट्रैक्टिव इफेक्ट यानी रेट ऑफ प्रेजेंटेशन का और लेंथ ऑफ वर्ड्स के बीच की जो इंट्रैक्शन है उसके से इंट्रैक्टिव इफेक्ट रिकॉल के ऊपर क्या पड़ा वो भी हमें एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए भी हमने एफ निकाल ली। अब आपको एग्जैक्टली टेबल उसी तरीके से देखना होगा एनोवा का जो हमने आपको पहले बताया था। और जो ये स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको टॉप हॉरिजॉन्टल बार में लोकेट करना होगा और जो आपकी स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको वर्टिकल बार में, सबसे लेफ्ट वर्टिकल बार में लोकेट करना होगा, फिर वर्टिकल बार में से ओरिजेंटल लाइन खींचनी होगी और ऊपर के ओरिजेंटल से वर्टिकल जहाँ कटता है वही आपका क्रिटिकल वैल्यू होगा। टेबल मैं देख लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं टेबल हाईलाइट करके बताता हूँ हमारी वैल्यू कितनी कितनी थी, मैं नोट कर लेता हूँ। यानी हमारा जो वेरिएबल ए के लिए ये वैल्यू आया है एफ वन 12 इज इक्वल टू 1.42 कह सकते हैं आप। वेरिएबल बी के लिए ये वैल्यू आया है एफ वन 2 इज इक्वल टू अगेन ये भी 1.42 ही आया है।
अब ये बी के लिए आया है एफ वन 12 इज इक्वल टू 35.38। तो हम टेबल देख लेते हैं, हमारा कंसर्न नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अब मैं ये ऑपरेशनल चीजें जो कैसे कंप्यूट करना है ये भाषा नहीं बोलूंगा, मैंने आपको पहले समझा दी। मैं सीधा टेबल में चला जाता हूँ और टेबल कैसे देखते हैं उसको दोबारा बताता हूँ। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ टेबल देखने की तरीका। हमारे पास पहला एफ 112 1.42 है, तो हमें 112 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में जाना होगा और 12 यहाँ जाना होगा। ये 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए है। और एनोवा का टेस्ट हमेशा टू टेल होता है, डायरी में नोट कर लीजिए, एनोवा कभी भी वन टेल नहीं होता। फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टेल इन केस ऑफ एनोवा, इट इज ऑलवेज टू टेल। तो अभी हम जो टेबल देख रहे हैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए है, तो आप इससे नीचे आ जाइए। ऐसे नीचे आइए और इधर से इधर जाइए, इधर तो कितना 4.75 है क्रिटिकल वैल्यू। हमने जो वैल्यू निकाला था वो कितना था, 1.42 था। इसीलिए जो हमने वैल्यू निकाला है वो वैल्यू टेबल के वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ वर्ड्स का रिकॉल स्कोर के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अगर यहीं पे ये सिग्निफिकेंट नहीं आया है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर 0.01 के लेवल पे नहीं देखेंगे। अगर 0.05 में सिग्निफिकेंट आ रहा है तब फिर इससे छोटे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देखने का कुछ मतलब होता है, और यहीं पे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे केस में चले, यानी वेरिएबल बी, वेरिएबल बी मतलब रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, उसकी एफ वैल्यू कितनी आई, एफ 112 इज इक्वल टू 1.42। उसका भी सेम हाल है, वो भी जो वैल्यू है 1.42 है तो इससे कम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रेजेंटेशन का भी रिकॉल स्कोर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इंट्रैक्शन में आते हैं। इंट्रैक्शन में क्या है, एफ 112 इज इक्वल टू 35.38, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या देखना होगा, 112 है ये भी, तो 1 यहाँ से 12 यहाँ ढूंढ लिया आपने, 4.75, यानी टेबल की वैल्यू कितनी है 4.75 है, आपकी वैल्यू कितनी 35.38 यानी 35.4, तो इससे तो ज़्यादा है। तो 0.05 के जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे आपका जो इंट्रैक्टिव इफेक्ट से संबंधित ये वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप अगले छोटे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जाइए। 0.05 से आपको कहाँ जंप करना होगा, 0.01। अब 0.01 के वैल्यू से भी ज़्यादा होगा तो आप 0.005 में जाएंगे। अगर मान लीजिए वो उसमें भी सिग्निफिकेंट आ रहा है तो एक बार आप 0.001 में भी कर लेंगे। इस तरह से आपको टेबल देखना होगा। अब बाकी डाटा एनालिसिस हम करते हैं तो मैनुअली तो करते नहीं है, सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में देखने की झंझट नहीं होता, वो अपने आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट शो कर देता है। और ये वाला था 0.05 के लिए, ये 0.01 के लिए। चलो मैं यहाँ भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आपका रिहर्सल हो जाएगा। अच्छा 112 था तो 1 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, तो इधर से हम इधर आते हैं और फिर यहाँ नीचे आते हैं, कितना आ रहा है 9.35 है। तो वैसे तो ये जो चीज़ 0.05 के लेवल पे सिग्निफिकेंट नहीं है तो 0.01 में होगा ही नहीं, देखने का कोई मतलब नहीं है, उससे छोटे लेवल में आप देखिए ही मत, ठीक है। तो वो 0.05 में नहीं था तो उसके लिए हम देख सकते हैं। इंट्रैक्टिव इफेक्ट के लिए, इंट्रैक्टिव इफेक्ट के लिए हमारा वैल्यू कितनी थी, 35.38 था, यानी 35.4 था, तो हमारा वो वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, तो आप इससे भी छोटे लेवल में जाके देख सकते हैं। तो अब ये आपने जो ये वैल्यू निकाला और टेबल के वैल्यू यानी क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर किया, इससे आपको साफ पता चला कि लेंथ ऑफ वर्ड्स और रेट ऑफ प्रेजेंटेशन का अलग से रिकॉल के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं है, लेकिन दोनों का इंट्रैक्टिव इफेक्ट काफी सिग्निफिकेंट है, यानी रेट ऑफ प्रेजेंटेशन और लेंथ ऑफ वर्ड्स दोनों का इंट्रैक्टिव इफेक्ट रिकॉल स्कोर के ऊपर
हाईली स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है। तो ये टू वे अनरिलेटेड एनोवा का टेबल बनाने का तरीका है। दिस इज एपीए स्टाइल टेबल ऑफ टू वे अनरिलेटेड एनोवा। तो निसंदेह मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें सोर्स ऑफ वेरिएंस चार हैं, जो एक तो है वेरिएबल ए के कारण पैदा होने वाला वेरिएंस, दूसरा है वेरिएबल बी के कारण से पैदा होने वाला वेरिएंस, तीसरा है ए और बी दोनों की वजह से पैदा होने वाला वेरिएंस, और चौथा है अन्य इररेलेवेंट और चांस फैक्टर से पैदा होने वाला वेरिएंस। टोटल यानी ये चारों का टोटल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने पहले निकाल ली थी, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकाल लिया था, फिर हमने ये रेशियो भी निकाल ली थी। दिस इज द वे ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ टू वे एनोवा एज पर द पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 6th एडिशन। अभी तो 7th आ गया है, तो आप कंक्लूजन निकालिए। इससे क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन वैसे मैंने आपको वर्बली तो बता दी, लैंग्वेज में देखिए, द इंट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ ए एंड बी मीन द इंट्रैक्शन बिटवीन वेरिएबल ए एंड बी इज सिग्निफिकेंट एट पी 0.01। वो वैल्यू कितनी आई थी? 35.38 थी। तो 0.01 के लेवल लुकिंग एट द मीन्स एंड टेबल देर आर हायर मीन्स फॉर शॉर्ट वर्ड्स एट अ फास्ट रेट एंड फॉर लॉन्ग वर्ड्स एंड स्लो रेट। अगर आप मीन को देखोगे तो अब मैं बैक जाके दिखाता हूँ एक बार इस चीज को टेबल में। अब ये जरा मीन देख लो आप, मीन हाईएस्ट किसके लिए है? कंडीशन ए के लिए, और कंडीशन ये जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड के लिए है। फर्स्ट कंडीशन का मतलब ए वन बी वन का मतलब शॉर्ट वर्ड्स फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वर्ड्स फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन। ए कंडीशन मीन्स लॉन्ग वर्ड्स स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो रिकॉल स्कोर है, अगर आप मीन को कंपैरिजन करते हैं तो ये दो अवस्था में सिग्निफिकेंटली हाई है, ऊपर है। तो इससे आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंट्रैक्टिव इफेक्ट वेरिएबल ए और बी का सिग्निफिकेंट पाया गया है वो किसके वजह से होगा। एक तो कंडीशन है शॉर्ट वर्ड्स फास्ट प्रेजेंटेशन, लॉन्ग वर्ड्स स्लो प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। यस, वन पॉसिबल रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट, ये हो गया, वन पॉसिबल रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन इज दैट लॉन्ग वर्ड्स टेक लॉन्गर टू मेमोराइज एंड सो बेनिफिट फ्रॉम अ स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वर्ड्स टेक लेस्ट। अब देखिए जो आपका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ऐसा क्यों आया, इसी की विवेचन होती है रिसर्च में। जो हम डिस्कशन लिखते हैं, डिस्कशन का मतलब ये है, जो आपको रिजल्ट मिला है ऐसा रिजल्ट कैसे मिला, मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए आप फिर कारण ढूंढते हैं। वो कारण आपकी निजी होती है, वो कारण पुराने रिसर्च से संबंधित होती है, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन का विषय है, रिसर्च में डिस्कशन इसे ही कहते हैं। जो आपका रिजल्ट मिला है उसमें कमेंट करना, सभी दसों दिशा से उसको देखना। रिसर्च में हम किसी चीज को डिस्कशन करते हैं तो स्टीरियोटाइप नहीं होते, टांगे की तरह एक चश्मा लगा के आगे नहीं बढ़ते। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दस दिशाएं दस होती है ना, पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुड ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षित ईशान्यामी महेश्वर। 8 हो गए, ऊर्ध्वम रक्षतु दाताव ये भी हो गया, और ऊर्ध्व हो गया नीचे हो गया, तो ऊपर नीचे दस दिशाएं होती है। तो दसों एंगल से आपको अपनी जो रिसर्च की रिजल्ट है उसको परखना होता है, क्रिटिकली डिस्कस करना होता है, उसके बाद फिर फाइंडिंग्स को ड्रॉ करना होता है। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्च। इसका ये ग्राफ है, और देखिए एक बात ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी ट्रू है अनरिलेटेड एनोवा का केस है, वहाँ पे ये ग्राफ में जो दो लाइन है ये दोनों लाइन अगर क्रॉस नहीं है
एंड दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा बोलूंगा मैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो इंटरसेक्ट कभी नहीं होंगे। पैरेलल है इसका मतलब दो वेरिएबल्स के इंटरैक्टिव इफेक्ट नहीं है। ये ग्राफ की भाषा से आपको समझना चाहिए, जब एनोवा में आप एसपीएसएस से ग्राफ निकालेंगे, इस तरह का ग्राफ आता है, वो ग्राफ में जो दो लाइन आएंगे वो दो लाइन आपस में पैरेलल है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, इसका मतलब दो वेरिएबल का इंटरैक्टिव इफेक्ट नहीं है। अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरैक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। अभी हमारे पास भी सिग्निफिकेंट मिला था, इंटरैक्टिव इफेक्ट F112=35.38 में था, तो ये वैल्यू 0.01 के लेवल पे भी सिग्निफिकेंट है। अब पहले एक बात बता चुका हूँ कि एनोवा में वन टेल का कोई मतलब नहीं होता, टू टेल होता है एनोवा में। तो जरा हम इसको इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। हमने वाई एक्सिस में रिकॉल स्कोर को प्लॉट कर रखा है और एक्स एक्सिस में हमने रेट ऑफ प्रेजेंटेशन को कर रखा है। तो देखिए आप स्कोर देखिए, रिकॉल स्कोर किसका हाई है, जिसका फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन ये लॉन्ग वर्ड्स के लिए, सॉरी फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड शॉर्ट वर्ड्स, फास्ट रेट ऑफ प्रेजेंटेशन शॉर्ट वर्ड्स में सबसे हाई है और दूसरा ये वाला है हाई, इसका मतलब लॉन्ग वर्ड्स स्लो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन द रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब हम आज के क्लास के समापन की ओर जा रहे हैं। अब अगले हमें जो डिस्कस करना होगा टू वे एनोवा रिलेटेड होगा, इसमें सोर्स ऑफ वेरिएंस और बढ़ जाएंगे, इसको रिपीटेड मेजर टू वे एनोवा भी कहते हैं और इसका कैलकुलेशन इससे थोड़ा कम्प्लेक्स होगा। तो सभी विद्वत जनों को मेरा सुझाव है कि आप पढ़ के क्लास में कनेक्ट हुआ करिए, आप पढ़ेंगे तो पल्ला पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इससे संबंधित रिसर्च पेपर पढ़िए, जो पब्लिश्ड पेपर है उस जहाँ टू वे एनोवा लगा हुआ है उसको आप पढ़िए और उसमें जो टेबल बने हुए हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आपके लिए ये काम का होगा। पीएचडी की पढ़ाई कथा नहीं होती, इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। रिसर्च पेपर डाउनलोड करिए जहाँ टू वे एनोवा लगा हुआ है और उसको विवेचन करने की प्रयास करिए। ठीक है, तो मैं आप फ्लोर ओपन कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन और आंसर के लिए और स्लाइड शेयर में रिमूव करता हूँ। हमारे पास 5 ही मिनट बचे हुए हैं, 15 बच्चे जुड़े हैं आज, आज भी पूरे नहीं हैं। ये आपके दोस्तों को बता दो, क्लास में जो नहीं आते ना ये फेल हो जाएंगे, कोर्स वर्क में फिर जाएंगे साल भर पीछे। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, बोलिए, समय मत गवाइए, जैसे आपके पास 3 मिनट है हार्डली। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए सर, यूट्यूब पे मिलेगी ना क्लास? आप वीडियो डिस्प्ले करिए, क्वेश्चन पूछने वाला आपने वीडियो डिस्प्ले करें। सुरेंद्र अटेंडेंस ले लेना, हाँ यस पूछिए। आपका वीडियो बिल्कुल दिख नहीं पा रहा है, गरिमा है ये तो मैं जान पाया। एनीवे पूछिए सर, मैं ये पूछ रही थी यूट्यूब पे डालोगे ना आप क्लास? नॉट श्योर, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली स्लाइड मुझे दोबारा देखनी थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्लाइड, अच्छा ठीक है मैं दिखा देता हूँ। स्लाइड्स
हाँ पूछिए, उसमें आपको क्या पूछना है? नहीं सर, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर के लिए जो हम निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने, वो छूट गया अच्छा, तो आपको जो मैंने है। को किताब रेफर कर दिया है ना पहले, तो किताब आप ले लीजिए ना, मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा। सर हाँ, इसका शॉर्ट ले लीजिए। जी सर, ले लिया सर, ओके थैंक यू सर। ओके, और बताइए। चलिए आज की बात समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ओम शांति।